आज इस वीडियो में देखेंगे हरितालिका तीज की पूजा सामग्री, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। इसके पहले भी मैंने तीज की वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने तीज का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हर साल तीज का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को रखा जाता है। साल 2024 में तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से हो जाएगी, परंतु उदिया तिथि के अनुसार साल 2024 में तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। संपूर्ण भारत में महिलाएं अखंड सुहाग और अपने पति की दीर्घायु के लिए तीज का व्रत रखा करती है। तीज का व्रत 3 प्रकार का होता है, कजरी तीज, हरियाली तीज और हरितालिका तीज, परंतु सबसे ज़्यादा हरितालिका तीज का व्रत संपूर्ण भारत में महिलाएं रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत रखा करती हैं। बिना कुछ देरी किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं क्या लगेगा पूजा सामग्री। तीज की पूजा सामग्री की लिस्ट है, फल, फूल, कपूर, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बतासा, घी, कुमकुम, पूजा का कलश, सूखा नारियल, समी का पत्ता, धतूरा, शहद, गुलाब जल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत, गंगा जल, दूर्वा, जनेऊ, बेलपत्र, वस्त्र और केले का पत्ता। ये वह चीज़ें हैं जो हमको पूजा में लगेंगी। अब यह देखते हैं कि माता पार्वती और भगवान शंकर को अर्पित करने के लिए कौन कौन सी चीज लगेंगी। और एक बात बता देती हूँ कि तीज का व्रत में मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजा किया जाता है, माता पार्वती और भगवान शंकर का। पर आपके पास अगर मिट्टी का शिवजी का मूर्ति नहीं है या आप नहीं बना सकते तो आप भगवान शंकर का फोटो ला कर भी पूजा कर सकते हैं। माता पार्वती की श्रृंगार सामग्री, मेहंदी, चूड़ी, काजल, कुमकुम, सिंदूर, सीसा, कंघी, पायल, सुहाग, पूरा लाल या हरे रंग की साड़ी और बिंदी और सुहाग पिटारी समेत सभी श्रृंगार सामग्री एकत्र कर लें। ये सभी 16 श्रृंगार के अंतर्गत आती है। यह सभी चीज़ों को पूजा के समय माता पार्वती को आपको अर्पित करना है। शिव जी को चढ़ाने की सामग्री, हरितालिका तीज के दिन शिव जी को बेलपत्र, समी का पत्ता, पान का पत्ता, केले का पत्ता, बांस, देवदार पत्र, भृंगराज, अशोक का पत्ता, धतूरा और कनेर जरूर चढ़ाएं। ये सभी चीज़ों को आप शिव जी को अर्पित करें। हरितालिका तीज के दिन शिव गौरी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा होता है, इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए बेलपत्र, फल, फूल, नए वस्त्र, अबीर, नारियल, केले का पत्ता, चंदन और जनेऊ पूजा की थाली में जरूर रखें। हरितालिका तीज के दिन गणेश स्थापना होती है, इसलिए इसी दिन भी गणेश जी की पूजा की जाती है। देखते हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि। पूजा विधि के लिए सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य निकलने के पहले स्नान करके पूरे घर की सफाई कर लीजिए, हर व्रत की तरह। उसके बाद आपका जो पूजा घर है वहाँ पे साफ सफाई करने के बाद वहाँ एक चौखट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती और भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करें, चाहे वो मिट्टी का आपने खुद अपने हाथों से बनाया हो या फिर कोई तस्वीर। उसके बाद वहाँ पर आपको एक कलश स्थापित करना है, कलश के ऊपर आप दिया रखें। उसके बाद फल, फूल, माला, जो भी आप पकवान बनाए होंगे भगवान के आगे समर्पित करें। भगवान शंकर को जनेऊ चढ़ाएं, रोली का तिलक लगाएं, चंदन का भी आप लगा सकते हैं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें और भगवान शंकर को बेलपत्र, धतूरा, समी का पत्र, ये सभी चीज़ों को आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद हरितालिका तीज की कथा पढ़ें और मंत्रों का जाप करें। आखिरी में भूल चूक माफ़ी मांगें और अपने पति की दीर्घायु की कामना करके प्रसाद वितरण करें। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात को सोया नहीं जाता, रात भर भजन कीर्तन किया जाता है। पहले के समय में लोग सोया नहीं करते थे, परंतु आज के समय में लोग सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद लोग पुनः पूजा करके मंदिर में जा करके यह व्रत को तोड़ते हैं। यह हुई हरितालिका तीज की पूरी पूजा विधि।
इसका कथा को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस, तो मैं बोलने नहीं पा रही हूँ, आप माफ़ करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी हरितालिका तीज कथा का। तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।